नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सुगर स्टॉक्स का, बलराम पुल चीनी, द्वारिकेश सुगर, रेणुका सुगर और आंध्रा सुगर। तो हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स में जो रैली आई है आज गजब की, उसके पीछे का रीज़न क्या है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि इन स्टॉक्स में क्या और रैली आने का भी स्कोप है कि नहीं है, और अगर अकॉर्डिंगली हमारे क्या टारगेट्स होने चाहिए और स्टॉप लॉसेस क्या होने चाहिए, उसको हम डिटेल में देखेंगे चार्ट के माध्यम से। तो इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि सुगर स्टॉक्स में जो इतना भयंकर तेजी आई है, उसके पीछे का क्या रीज़न था। तो उसके पीछे का जो मेजर रीज़न ये था, उसको अगर मैं और देखूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बिजनेस स्टैंडर्ड में आज अच्छा आर्टिकल लिख रहा है। तो उन्होंने ये बताया है कि ऐसा क्यों है कि ब्रोकरेजेस का इंडियन शुगर इंडस्ट्री पे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है, क्योंकि जो अदर शुगर कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, थाईलैंड, ईयू, वो सब में शुगर प्रोडक्शन या तो लो हुआ है या उन्होंने ईयू जैसे कहा है कि वो अपनी सप्लाईज को टाइट रखेंगी। डोमेस्टिक फ्रंट में गवर्नमेंट की पॉलिसी सही रही हैं, इथेनॉल की डिमांड बढ़ रही है, तो इन सारी चीज़ों की डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो यहाँ पे फिर ICICI सिक्योरिटीज़ ने कहा है डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस विद रिमोन अबव ₹34 पर केजी। तो ओवरऑल प्राइस अच्छी है, मार्केट में डिमांड बहुत है, ग्लोबल जो कंपटीटर्स हैं वो उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो काफ़ी कुछ मिलके इतना भयंकर पॉजिटिव क्रिएट किया है। अगर मैं अनिल सिंह वी जी की बात मानूँ, तो इन्होंने 2 दिन पहले द्वारिकेश सुगर को कहा था कि आप खरीदने के बारे में प्लान कर सकते हैं। आइए अब हम चार्ट पे देखें द्वारिकेश सुगर को। RSI देखिए, ऑलरेडी 80 के ऊपर जा चुका है, तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। बॉलिंगर बैंड भी इसका 44-45 के आसपास था, तो उसको भी पीछे कर चुका है, उसको भी देखने की कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स में भी गजब की ग्रोथ हुई है। आज देखिए यहाँ पे पहले थोड़ा बहुत हुई थी, और आज की वॉल्यूम्स तो मान के चलिए इनके पूरे आप कह सकते हैं 6 महीने में जितनी वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग हुई होगी आज का ऑलमोस्ट उसका डबल हो गया है। तो ये देखिए, इससे पता चलता है कि कितनी ही ज़्यादा बुलिशनेस आई हुई है इस स्टॉक को लेकर। और अगर हम लॉन्ग रन में इस स्टॉक को देखें, तो यहाँ देखिए ये लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। ये वीकली चार्ट पे भी एक वो मतलब डेली है, और ये 5 ईयर का चार्ट है, तो इसमें भी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है 50 के आसपास। तो अगर इसमें पॉजिटिव मोमेंटम बना रहे, आप इसमें नई पोजीशन बना सकते हैं 60 और फिर 70 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस दोस्तों इस टाइप के स्टॉक में क्या रखना चाहिए, नॉर्मली जो हम प्रेफर करते हैं, जैसे ये 8 रुपये की कैंडल है 42 से 50, तो इसका जो मिडिल एरिया है 46 के नीचे, तो आप 45 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। तो इस टाइप के स्टॉक्स में नॉर्मली ट्रेडिंग आप यही करते हैं, क्योंकि अगर आप 42-43 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे तो स्टॉक को आपको प्रॉफिटेबल करने के मतलब कम से कम 60 रुपये जाना पड़ेगा, तो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, तो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को अपने ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस स्टॉक को बाई एट CMP करिए, इफ पॉजिटिव मोमेंटम दिखे तभी खरीदिएगा। स्टॉप लॉस इसमें दोस्तों आप रखिएगा 45 रुपये का, और टारगेट हम इसमें पहला 60 और 7, स्टॉप लॉसेस को अकॉर्डिंगली आप ट्रेल करके हुए चलिएगा। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस द्वारिकेश को लेके। आइए, साथ ही अनिल सिंह वी जी ने आंध्रा शुगर्स को भी अपना नाम दिया था, तो आइए देखिए आज आंध्रा शुगर्स की परफॉर्मेंस भी एकदम गजब रही। इन्होंने भी देखिए काफ़ी यहाँ पे बहुत सारे अपने आप कह सकते हैं जो पुराने ब्रेकआउट्स थे उन सबको तो पहले ही तोड़ दिया, तो आज बहुत अच्छे से उन्होंने बता दिया कि हाँ अब शुगर स्टॉक्स जो है इसमें जो रैली आई है, हो सकता है वो अगले 2-3 दिनों तक ना रुके, ये स्टॉक भी ओवरबॉट जोन में चला गया है। तो इसी वजह से यही इसका थोड़ा सा कंसर्न है स्टॉक्स में कि ओवरबॉट जोन में चले गए। और अगर हम 5 ईयर चार्ट देखें, तो ये देखिए ये एरिया इसके लिए काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 420 के आसपास, जिसके ऊपर ये क्लोज हुआ है। तो आप मेरा मानना है 415 के स्टॉप लॉस के संग इसमें पोजीशन बना सकते हैं, पहला टारगेट 500, दूसरा 550 और फिर 600 तक भी इस स्टॉक जा सकता है, जो राइज इसमें हमें रिसेंट में देखने को मिली है। बाकी और सारे इंडिकेटर्स देखने का इसमें कोई मतलब अभी के लिए नहीं है, क्योंकि सब अपने बॉलिंगर ब्रांड के भी ऊपर चल रहे हैं, MACD में भी एकदम भयंकर बुलिश क्रॉस ओवर आपको दिखेगा, तो वो सब देखने का कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। इसको भी आप बाई एट CMP कर सकते हैं, इफ पॉजिटिव हो केवल तब। स्टॉप लॉस इसमें आप लगाइएगा 415 का, और टारगेट आप इसमें लेके चल सकते हैं 550, 550, 600 तक के टारगेट्स भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं रहेगी अगर ऐसा हुआ तो,
क्योंकि ऐसा मुझे अंदर से फील आ रहा है कि पहले अभी स्टील स्टॉक्स के भागने का नंबर था, ग्रेफाइट स्टॉक्स बहुत भागे, और अब हो सकता है शुगर स्टॉक्स का नंबर हो, जहाँ की वो 1-2 महीने में पैसे आपके 30 से 40% का रिटर्न दे दे। काफ़ी अच्छी राइज ऑलरेडी दे चुके हैं, बट अभी भी इनमें और पोटेंशियल है। अब मैं अगर बलरामपुर चीनी की बात करूँ दोस्तों, तो ये स्टॉक देखिए अपने ऑलरेडी, अगर मैं 5 ईयर चार्ट की बात करूँ तो ऑलरेडी उससे काफ़ी हाई चल कर जा चुका है ऑलरेडी। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो वो करीब निकल के आएगा कि यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन का आज ब्रेकआउट दे दिया है, वॉल्यूम भी बढ़िया रही है। तो आप इस स्टॉक में सेम अगर पॉजिटिव हो तो पोजीशन बनाइएगा। स्टॉप लॉस हमें रखना है 300 रुपये का, और टारगेट हम लेके चलेंगे इसमें 350, फिर 375 और फिर 400 तक के टारगेट लेके इसमें चलेंगे। तो इसमें काफ़ी सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। स्टॉक ये भी आपका ओवरबॉट जोन में है, तो बस एक यही कंसर्न है और कोई नहीं है। तो बाई एट CMP इफ पॉजिटिव, स्टॉप लॉस दोस्तों 300 रुपये का, और टारगेट ये पहला 300, फिर 375 सॉरी 350, 375 और फिर 400 तक के टारगेट्स हम इसमें लेके चलेंगे। तो ये मेरी एनालिसिस थी बलरामपुर चीनी को लेके। अब एक हम थोड़ा सा शुगर स्टॉक्स में जो पेनी स्टॉक है उसको देख लेते हैं, वो है श्री रेणुका शुगर। तो ये स्टॉक देखिए अभी इसका जो रिसेंट का हाई था 14 रुपये का, उसको अभी क्रॉस नहीं किया है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी अच्छी इसमें राइज आई है, 10 रुपये से 13 रुपये, तो मतलब 30% की राइज दे दी है इसने अपने पिछले केवल 4 ट्रेडिंग सेशन में। बट अभी इसमें और पोटेंशियल है। तो मेरा मानना है आप जो ये आपकी कैंडल है इसमें ये 12.25 रुपये के आप स्टॉप लॉस लगाइए, 12.25 का पहला टारगेट आप 14 रुपये का लेके चलिए, और उसके बाद के क्या टारगेट्स होते हैं हो सकते हैं उसके लिए आप 14, फिर 15 और फिर 18 रुपये तक के टारगेट्स के लिए एम कर सकते हैं। तो 1-1 रुपये भी बढ़ाएंगे अगर आप इस पर, तो 7 से 8% आपका टारगेट बढ़ता चलेगा, जो कि आप कह सकते हैं कि एक बढ़िया स्ट्रेटजी आपके लिए रहेगी। तो यहाँ पे अगर मैं आपके बात करूँ तो इसको भी आप बाई एट CMP कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें हमें लगाइए 12.25 रुपये का, टारगेट 14 का पहला हमारा रहेगा, और अबव 14 यहाँ इस पर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, तो नेक्स्ट टारगेट आप अपना लेके चल सकते हैं 16 और फिर 18 या 17.5 रुपये तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस इन तीनों स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो रिस्क के अधीन होती है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, और हमारे वीडियोज़ केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए